हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 9 डाटा एंडिंग में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में फर्स्ट बार ग्राफ के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ओके, क्या होता है उसमें कि एक वाई एक्सिस होता है, दूसरा एक्स एक्सिस। ओके, एंड बीच में यहाँ पर होता है जीरो। यहाँ पर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको कहते हैं बार ग्राफ। एंड यहाँ पर आपको लिखना होता है स्केल। ओके, वन यूनिट इज इक्वल टू जितने भी हो वो सब हमें बताना होता है वहाँ पर। ओके, इसको कहते हैं बार ग्राफ। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 198 पे। Read the adjoining bar graph showing the number of students in a particular class of a school. Answer the following question. Okay, यहाँ पर हमें bar graph given है कि 2000 यहाँ पर particular year है उसमें कितने number of student है वो सब हमें given है। Okay, answer the following question. First है A part, what is the scale of दिस ग्राफ। ओके, मैंने अभी बताया जो स्केल के बारे में, बार ग्राफ कैसा गिवन है यहाँ पर हमें, तो बार ग्राफ में देख के हमें आंसर बताना है। ओके, यहाँ पर जीरो आएगा, लिखा नहीं है। यहाँ पर है 2000, फिर यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, 2000 है उसमें 30 तक जा रहा है बार ग्राफ। फिर 2001, 40 से थोड़ा कम है वो। 2002, 40 एंड 50 उन दोनों के बीच आ रहा है। एंड 2003, 50 एंड 60 उन दोनों के बीच आ रहा है। ओके, इस तरह से हमें बार ग्राफ गिवन है। तो फर्स्ट ए पार्ट में हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। ओके, इसका स्केल क्या है, तो स्केल कहाँ पर लिखा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ऐसा हमें गिवन है। ओके, तो ये उसका क्या हो जाएगा, स्केल। ओके, द स्केल इज वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जो लिखा है सेम वही होगा उसका आंसर। ओके, ए पार्ट का आंसर मिल गया। बी पार्ट, हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी ईयर। ओके, हर साल कितने नए बच्चे ज्वाइन करते हैं इस स्कूल में। तो बी में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। ओके, क्योंकि वो बार ग्राफ पे बढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप लोगे तो फर्स्ट था 30, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा है यानी कि 40, हम अप्रोक्सीमेट 40 ले सकते हैं, वैसे ही 50 एंड 60। तो 10 स्टूडेंट आएंगे। ओके, बी में 10 स्टूडेंट हर साल इंक्रीज हो रहा है उस तरह से। सी इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द नंबर ऑफ इन द ईयर 2002। अब क्या पूछा है कि जो 2000 में जितने भी 2003 में जितने भी स्टूडेंट है वो 2000 के ट्वाइस यानी कि उससे दो गुना है। तो अगर आप देखोगे तो बार ग्राफ में ये वाला जो है एंड ये वाला है, तो ऑलमोस्ट इसका डबल है यहाँ पर,
क्योंकि यस क्या होगा उसका ट्वाइस, ओके उससे डबल होगा। ओके एग्जांपल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है इस एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 9.3 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमें सभी बार ग्राफ क्यों होंगे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम उसके आंसर बताएंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या देखेंगे, हमें कुछ डाटा गिवन होगा एंड हमें उसका बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके तो फर्स्ट रीड कर लेते हैं क्या कहा है। द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोन द अमाउंट ऑफ फीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। ओके यहाँ पर हमें जो बार ग्राफ है वो क्या किसके लिए रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने पर ईयर जो वीट परचेज किया है उसके बारे में गिवन है। ओके रीड द बार ग्राफ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉस। ओके बार ग्राफ में देखना है एंड हमें उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे वो हमें बताने। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे जो स्केल लिखना रह गया है, वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन। ओके वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है ए द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कब हुआ था वो हमें बताना है। ओके तो क्या आएगा उसमें, बार ग्राफ में देख के ही आपको पता चल जाएगा उसमें क्या आएगा। सबसे बड़ा बार ग्राफ ये वाला है 2002 जिसमें फीट का प्रोडक्शन मैक्सिमम हुआ था। ओके एंड बी पार्ट है द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, कौन सा ऐसा साल है जब वीट प्रोडक्शन सबसे कम हुआ था। ओके तो फर्स्ट 1998 में सबसे छोटा बार ग्राफ हमें यही दिख रहा है। ओके तो फर्स्ट वाला सम हमारा हो गया कंप्लीट। सिर्फ क्या करना है बार ग्राफ में देख के आंसर बताना था। ओके और कोई क्वेश्चन हमें पूछे नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा था। तो मैक्स सबसे बड़ा कौन सा था ये वाला, तो ये आ गया मैक्सिमम में, सबसे छोटा था ये वाला तो यहाँ पर। ओके बी है सेकेंड पार्ट है सेकेंड सम। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फॉर मंडे टू सैटरडे। ओके मंडे टू सैटरडे एक शॉप है जहाँ पर शर्ट रेडीमेड बन रहे हैं। ओके तो कुछ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके थर्ड है उसमें ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोन सो द मार्क ऑब्टेन्ड बाय एजेस इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पर एजेस है उसको उसका हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट है उसके रिलेटेड उसके बार ग्राफ बनाया हुआ है। ओके बार ग्राफ में देख के हमें क्या बताना है आंसर 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके
तो फर्स्ट 80 तक जा रहा है हिंदी, फिर इंग्लिश जा रहा है 60 तक, फिर मैथमेटिक्स वो जा रहा है 70 तक, फिर साइंस, तो साइंस जा रहा है 50 तक। एंड सोशल साइंस, तो उसमें सबसे कम मार्क आया है 40, जैसे है एसएस। ओके, सोशल साइंस। तो फर्स्ट ए पार्ट हमें यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। ओके, यहाँ पर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन बार ग्राफ में गिवन है, तो लिखेंगे दिस बार ग्राफ shown that shows the mark obtained by Aziz in different सब्जेक्ट। ओके, बी पार्ट है इसी का, नेम द सब्जेक्ट इन विच एजाज स्कोर मैक्सिमम मार्क। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एजाज ने सबसे ज़्यादा मार्क स्कोर किया है। तो सबसे बड़ा बार ग्राफ कौन सा दिख रहा है आपको, बार दिख रहा है हिंदी का, तो हिंदी में एजाज ने सबसे ज़्यादा मार्क स्कोर किए हैं। ओके, सी पार्ट, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर मिनिमम मार्क। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसने सबसे कम मार्क स्कोर किया, तो ऐसा सब्जेक्ट है एसएस। ओके, सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसको सबसे कम मार्क्स मिले। ओके, एंड डी पार्ट है इसमें, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क ऑब्टेंड इन ईच ऑफ देम। ओके, सभी के हमें मार्क लिखना है, फर्स्ट हमें सब्जेक्ट का नेम लिखना है एंड उसमें उसको कितने मार्क्स मिले वो लिखना है। तो फर्स्ट है हिंदी। ओके, तो हिंदी में उसको सबसे ज़्यादा मार्क मिले थे, हिंदी में कितने मार्क्स है, 80 मार्क्स। ओके, फिर सेकेंड है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, तो बार ग्राफ में देख लो 60 तक जा रहा है वो, 60 मार्क्स। फिर है मैथमेटिक्स, मैथ्स में उसको कितने मिले हैं, 70। फिर है साइंस, साइंस में उसको मिले है 15 मार्क। एंड लास्ट है सोशल साइंस यानी एसएस, उसमें इसको मिले है 40 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है कंप्लीट, एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्लीट। ओके,
ड्राइंग अ बार ग्राफ, तो फर्स्ट आप उसके नीचे देखोगे पेज नंबर 200 पर नेम ऑफ फ्रूट ऐसा आपको गिवन है। ओके, नेम ऑफ फ्रूट कौन सा है यहाँ पर गिवन है? बनाना। बनाना कितने एक है, फिर ऑरेंज है, ऑरेंज है 3, एप्पल है, एप्पल है 5, फिर है गुआ, वो है 4। तो इसका हमें बार ग्राफ तैयार करना है, रेडी करना है। तो क्या करेंगे, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ओके, उसको अच्छे से फर्स्ट रीड कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो बायोग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसमें जो इस तरह से लाइन होती है ओके हॉरिजॉन्टल, उसको कहेंगे एक्स एक्सिस एंड इसको कहेंगे वाई एक्सिस। ओके, जो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से वर्टिकल, उसको कहेंगे वाई एक्सिस एंड इसको कहेंगे एक्स, एंड जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आएगा 0। अब हम देखेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें जो नंबर है वो किस टाइप के है। अगर स्मॉल नंबर है तो हम जो स्केल है वो इस टाइप से लेंगे, अगर बड़े नंबर होते हैं तो हम स्केल उस टाइप से लेंगे। यहाँ पर सभी छोटे नंबर है तो स्केल क्या आएगा, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू आएगा 1 फ्रूट। ओके, 1 स्टूडेंट, ओके, 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि यहाँ पर जो हमें गिवन है कि बनाना कितने स्टूडेंट को पसंद है, तो 8 स्टूडेंट को, फिर ऑरेंज तो 3 स्टूडेंट को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा तो 1 स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सबसे ज़्यादा कौन सा है बनाना वाला, तो बनाना फर्स्ट हम उसका बार बना देंगे, कहाँ तक जाएगा वो, जहाँ पर 8 हमें दिख रहा है वहाँ तक। फिर ऑरेंज कहाँ तक है वो, 3 तक, तो 1, 2, 3 तक हम जाने देंगे, ऑरेंज का बार है उसको। फिर एप्पल कितने स्टूडेंट को पसंद है, 5 स्टूडेंट को। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है वो क्या आएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो इस साइड पर आएंगी, एंड ऊपर जो भी नेम्स वगैरह गिवन होगा वो सब आएगा एक्स एक्सिस पे। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर आएगा फ्रूट्स, ऑरेंज यहाँ पर था, एप्पल, एंड लास्ट में था गुआ, वो 4 स्टूडेंट को पसंद है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 है, 10 वाले एग्जाम्पल में आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फॉलोइंग टेबल शोन इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। फर्स्ट है आइटम कौन सी है, हाउस रेंट, हाउस रेंट में वो कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 3000। फूड में 3400। एजुकेशन, वैसे सभी का हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ रेडी करना है। ओके, तो आप यहाँ पर जो उसका स्केल है वो किसी भी तरह से ले सकते हो, जो भी आपको इजी लग रहा है उस तरह से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10,
आइटम्स हाउस रेंट वो है 3,000 रुपीज़। यहाँ पर हमें जिन्होंने एक्सपेंडिक्टर इन रुपी ओके सभी जगह पर अब नहीं लिख फिर है फूड फूड में कितना स्पेंड कर रहे हैं 3,400। एजुकेशन है 800। फिर इलेक्ट्रिसिटी है 400। ट्रांसपोर्ट है 600 एंड मिसेलोनियस उसमें 1,200 रुपीज़ स्पेंड कर रहे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है तो उसका हम क्या करेंगे बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ओके। तो स्केल हमें फर्स्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो राइटिंग फॉर्म में है ओके यहाँ पर जितने भी आइटम्स हमें गिवन है वो सब कहाँ पर आएगा नीचे एक्स एक्सिस पर ओके। यहाँ पर जीरो फर्स्ट आएगा हाउस रेट फिर फूड एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट एंड मिसेलियनस। अब यहाँ पर जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है बड़े बड़े नंबर है तो हम स्केल इस तरह से लेंगे कि जो सबसे छोटा है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सके एंड सबसे बड़ा है वो भी हमारे बार ग्राफ में आ जाए ओके। तो सभी को यहाँ पर आप पेज नंबर 201 पर देखेंगे तो सभी को किससे डिवाइड किया है 200 से डिवाइड किया हुआ है ओके। तो वो सभी यूनिट्स मिल रहा है कि 50 यूनिट तक जाएगा 70 यूनिट तक जाएगा यानी कि वो सब इसमें आ सकते हैं उस तरह से ओके। अदरवाइज आप 200 की जगह पर 400 भी ले सकते हो ओके। 400 लोगे तो भी वो हो जाएगा ओके। फर्स्ट 200 लेके करते 200 रुपीस फिर 400 वाला भी मैं करा दूंगा चलो किस तरह से होगा। अब यहाँ पर जो स्केल है स्केल हमने क्या लिया 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपी ओके। तो 200 फिर 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 एंड 3400 ओके 34 तक जाना है। तो फर्स्ट हाउस रेट है वो कितना था 3000 है ओके। तो उसका बार ग्राफ कहाँ तक जाएगा 3000 तक जहाँ पर 3000 है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे ओके। फिर नेक्स्ट है फूड फूड में कितना खर्चा हो रहा था 3400 यानी कि सबसे बड़ा बार ग्राफ उसका होगा। फिर एजुकेशन एजुकेशन के पीछे कितना खर्च हो रहा है
800, ओके, तो उसका बार ग्राफ इतना ही होगा। फिर है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें है सिर्फ 400, तो उसमें इतना ही होगा। फिर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के पीछे कितना खर्च हो रहा था, 600, तो वो इतना होगा इससे 400 से थोड़ा ऊपर, तो 600 जहाँ पर आ रहा है सेम उसके सामने। फिर है 1200, तो वो आएगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ रेडी कर देना है। फर्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो स्केल ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर स्केल आप इस टाइप से लोगे तो बार ग्राफ कम्प्लीटली आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ओके। स्केल इस तरह से लेना है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो भी अंदर आ जाए, एंड सबसे बड़ा यूनिट वाला है वो भी उसके अंदर आ जाना चाहिए, ओके, तो ही आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर आप इसके जगह पर 400 वाला लेते, ओके, तो 400 में किस तरह से होता, तो यहाँ पर 400, फिर 800, फिर 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, एंड 3600, ओके, इस तरह से वो हो जाता है। एंड यहाँ पर हम स्केल किस तरह से लगते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 400 रुपीज, ओके। एंड यहाँ पर जो हाउस रेट है वो सब आएगा, ओके, हाउस रेट, फिर फूड, एजुकेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला, ट्रांसपोर्ट एंड मेस्टिकेशन। हाउस रेट है वो कितना था, 3000, तो किसके बीच आएगा वो, यहाँ पर 2800 एंड 3200 उसके बीच में आएगा, ओके, ये वाला। अगर आप बार ग्राफ में देखोगे तो जो स्क्वायर होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर लाइंस होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े से, ओके। टोटल 5 स्क्वायर होंगे, या फिर 10 स्क्वायर वाला भी आता है, तो 5 स्क्वायर हो तो बिल्कुल बीच वाला जो लाइन है वहाँ तक ले जाना है, ओके, ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि 2800 एंड यहाँ पर है 3200, ओके। तो अब यहाँ पर जाएंगे तो कितना होगा, टोटल हमने लिया है 1 यूनिट यानी कि 400, उस तरह से होगा। यहाँ पर पूरा 1 यूनिट है वो 400 हो रहा है, तो उसका हाफ सिंपली करेंगे तो वो बीच में आएगा सेंटर में, यानी यहाँ पर आएगा 3000, ओके, उस तरह से ये होगा। तो हमें बीच वाला पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा, पर ये वाला है वो बीच में नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि किसके सामने आएगा। एंड फूड में देखेंगे तो फूड में कितना है, यहाँ पर 34, किसके बीच आएगा, 32 एंड 36 के बीच। फिर एजुकेशन है, तो एजुकेशन में कितना, 800 है, तो 800 हमें यहाँ पर मिला ही। फिर इलेक्ट्रिसिटी है तो 400 है, तो 400 भी मिल रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट वाला 600 है, तो 400 एंड 800 के बीच जो सेंटर आ रहा है वहाँ तक, ओके। एंड लास्ट है 1200 वाला, तो 1200 वाला ऑलरेडी गिवन, ओके। तो किसी भी तरह से आप फाइंड कर सकते हो, आपको जो यूनिट यहाँ पर जो स्केल है वो अच्छे से लेना है इसे, ओके। तो आज यहाँ तक रखते हैं।